नमस्कार दोस्तों, चलते चलते चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ थायराइड के बारे में। थायराइड की समस्या आज के टाइम में बहुत ही आम होती जा रही है। असल में ये थायराइड है क्या, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम इसका उपचार करें, आयुर्वेदा के अनुसार इसका क्या उपचार है, वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में। क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे आप घर पर ही इसका उपचार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि थायराइड असल में है क्या। थायराइड गर्दन के सामने और स्वर तंत्र के चारों तरफ एक तितली के आकार का होता है। थायराइड दो प्रकार का होता है, हाइपर थायरॉइज्म और हाइपर थायराइड। पुरुषों में आजकल थायराइड की समस्या बहुत ही आम होती जा रही है। थायराइड में अक्सर देखने को मिलता है, जिस मनुष्य को थायराइड होता है उसका वजन अचानक से कम हो जाता है और अचानक से ही बढ़ जाता है। तो जानते हैं थायराइड के कुछ लक्षण, कौन कौन से लक्षण होते हैं, आप कैसे पहचाने कि आपको थायराइड हो गया है। थायराइड का सबसे मुख्य लक्षण है आपके वजन का अचानक से बढ़ जाना और अचानक से आपके वजन का कम हो जाना, आपको भूख न लगना, पसीना बहुत अधिक आना, थकान महसूस करना, हर वक्त आप थके थके महसूस करते हैं। थायराइड में गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन में सूजन रहती है। ये कुछ लक्षण हैं थायराइड के, जिनसे आप पहचान सकते हैं कि हाँ आपको थायराइड है। अब जानते हैं थायराइड के कारणों के बारे में। थायराइड के जो मुख्य कारण हैं वो है सबसे ज़्यादा बेवजह की दवाओं का सेवन करना। आपको हल्का सा कहीं दर्द हुआ, नहीं आपने पेन किलर ले ली, इनका दुष्प्रभाव जो है थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, जिससे थायराइड की समस्या उभर के सामने आती है। अधिक टेंशन और दवाओं का असर आपकी थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है, जिससे हार्मोन्स निकलने लगते हैं और थायराइड की समस्या उभर कर सामने आती है। टॉन्सिल्स, सिर या थायराइड ग्रंथि का एक्सरे करवाना भी एक कारण है थायराइड का। आपकी हड्डियों में दर्द रहना, आपको अधिक नींद आना, सूजन रहना, जोड़ों का दर्द होना, ये भी थायराइड का ही कारण बन जाते हैं आगे चलकर, अगर आप इनका समय पे उपचार नहीं करते हैं तो। कब्ज़ भी एक कारण हो सकता है थायराइड होने का, इसलिए दोस्तों अपने कब्ज़ का ज़रूर आप निवारण कर लें। थायराइड का एक कारण जेनेटिक्स भी हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को है, जैसे आपकी मम्मी को, आपके पापा को किसी को थायराइड है, तो आपको भी उनसे थायराइड हो सकता है। ये जेनेटिक कारण है थायराइड का, जो आपको प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से आपको थायराइड हो सकता है। चलिए अब जानते हैं थायराइड का उपचार हम कैसे करें, घर पे ही आयुर्वेदा के अनुसार कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करें। थायराइड की समस्या से अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो घर में ही उपलब्ध चीज़ों से, घरेलू नुस्खे से आप इसे निजात पा सकते हैं। अदरक, अदरक में पोटाशियम और मैग्नीशियम होता है जो थायराइड को बढ़ने से रोकता है, इसलिए अपने खाने में अदरक को ज़रूर शामिल करें। दूध और दही का सेवन उस मनुष्य के लिए अमृत समान है जो थायराइड से ग्रसित है। थायराइड में दूध और दही बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मिनरल्स, सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन्स होते हैं। दूध तो वैसे भी हम कंप्लीट फूड मानते हैं दूध को, तो दूध और दही को ज़रूर शामिल करें अपने खाने में, अगर आप थायराइड से दूर रहना चाहते हैं, थायराइड से निजात पाना चाहते हैं। अगर आपको थकान लग रही है तो आप थायराइड में मुलेठी का सेवन करें, इससे आपको थकान नहीं होगी। जौ, पास्ता, ब्रेड जैसा साबुत अनाज अगर आप खाते हैं थायराइड में, तो आपकी समस्या को दूर करता है, ये थायराइड को बढ़ने से रोकता है साबुत अनाज। तो कभी भी साबुत अनाज से परहेज ना करें, जितना हो सके आप साबुत अनाज को शामिल करें अपने खाने में। फल और सब्जियों को अपने खाने में शामिल करना ना भूलें।
सब्जियों में आप टमाटर हरी मिर्च का सेवन अवश्य करें। थायराइड की समस्या से अगर आपको निजात पाना है तो गेहूं के ज्वार का भी आप शामिल कर सकते हैं। गेहूं के ज्वार बहुत ही फायदेमंद है थायराइड की समस्या से निजात पाने के लिए। इसके साथ ही ये साइनस, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं। अपने खाने में आयोडीन की मात्रा ज़रूर शामिल करें। रिसर्चर्स के अनुसार ये पता लगाया गया है कि अगर आयोडीन की कमी रहती है हमारे खाने में तो भी थायराइड की समस्या उभर के सामने आती है। इसीलिए अपने खाने में आयोडीन ज़रूर शामिल करें। अपने गले को ठंडी और गर्म सेंक दें। ठंडी गर्म सेंक देने के लिए आप एक बोतल में गर्म पानी भर लें और एक बोतल में ठंडा पानी भर लें। एक तौलिया लें, उसको ठंडे पानी से भिगो लें और उस लिप को अपने गर्दन के चारों तरफ लपेट लें। फिर उस पर गर्म बोतल रख के सिकाई करें। ऐसा आप डेली 5 से 7 मिनट तक करेंगे तो आपको आराम महसूस होगा। अब जानते हैं परहेज़ के बारे में, क्या क्या परहेज़ हमें लेने चाहिए थायराइड में। थायराइड में आप चावल, मैदा, खटाई और मलाई, अंडा और अधिक मसालेदार भोजन से बचें। अगर आपको नमक लेना है तो ज़्यादा ना लें। नमक का सेवन अगर आपने करना भी है तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी जो हमने आपको दी। थायराइड क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, कैसे आप घर पर ही उसका उपचार करें। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, इसे लाइक करें और हमारे चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि और भी जानकारी हम आपको देते रहें। धन्यवाद।